पुणे सिटी में 15 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में हमें घर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह पे हम सर्च कर रहे हैं, दिख भी रहे, मगर एक प्रॉब्लम है। देखिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए ही हमने बनाया है, और देखने जावे तो 15-20 लाख में आपको जो प्रॉपर्टी यानी के घर, रो हाउस, इंडिपेंडेंट बंगलो और कई सारे जैसे कि फ्लैट वगैरह भी चाहिए 15-20-30 लाख में, और हमारा बजट यही है। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो प्रॉपर्टी है आपको झोपड़पट्टी में पुणे सिटी में मिलेगी, मगर मैं आपको ऐसी एरिया बताऊंगा कि जहां पे आपको जो है ये जो प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आपको मिलने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का जो वीडियो है स्पेशली बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे हिंदी में हमने बनाया है। तो प्लीज एक कहना चाहता हूं कि ये वीडियो को गौर से देखिए, अपनी आंख खोलिए, आपको जो जो उकसा रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं और आपके साथ में ठगबजी कर रहे हैं, उन्हीं के ही लिए ये वीडियो का निर्माण किया है। मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि आपके आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो गिराना है, वो खोलना है। मैं आपको जो भी बताऊंगा ना यहाँ पे सच बताऊंगा, खाली खाली सच सुनने की आप में हिम्मत है और आपको सच में आपका एक बंगले जैसा 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे 15-20-30-50 लाख में होना चाहिए घर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होने वाला है। मेरे भाई बहनों और भाइयों, आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां पे मिलेगा, किधर मिलेगा। पुणे में रेलवे स्टेशन के करीब होगा, या एयरपोर्ट के करीब होगा, या विमान नगर, कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क, पिंपरी, चिंचवड, कलवट और कात्रज और हड़पसर, ये सारी के सारी फेमस एरिया है। क्या इनमें से या इधर होगा, तो देखते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही खास बात। जय महाराष्ट्र, जय जय पुणे। मैं कासिम शेख आज रियल एस्टेट के इस वीडियो में आप सभी का दिलो जान से स्वागत करता हूं। बहुत ही सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी में बनाइए, हिंदी में बताइए, पुणे की जो जानकारी है, पुणे में कहां पे 15-20-30 लाख में घर हम ले सके, खरीद सके, तो ये बताइए पुणे में हड़पसर है या कल्याणी नगर है या विमान नगर है या पिंपरी, चिंचवड़, रावेत या हिंजेवाड़ी या कात्रज के डोंगर के ऊपर ले सकते हैं, ये सारी की सारी बातें बताइए। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज की जो खास बात है रियल इस्टेट की वो हम शुरू करते हैं। अब रियल इस्टेट की इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कैटेगरी जो आती है, घर खरीदना है हमें या जगह खरीदनी है या बंगला खरीदना है, ये सारा का सारा रियल इस्टेट में आता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहूंगा आपसे, बुरा मत मन को लगाइए ना बुरा दिल को लगाइए, एक छोटा भाई हूं मैं आपका और हर वक्त मैं आपकी भलाई चाहता हूं। मैं इसलिए रियल इस्टेट का जो काम है पिछले 30 से 35 सालों से कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को हमने जगह खरीद के दी है, घर खरीद के दिए है पुणे में या पुणे के आसपास, लगभग काफी सालों से हम काम कर रहे हैं रियल इस्टेट में, और उसी के ही दम पे ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और यूट्यूब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें बात रखने के लिए, बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो होता है मुहैया कराया है, और हम हमारी बात यहाँ पे रखते हैं इस चैनल पे। तो प्लीज एक और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन घंटी को भी जरूर दबा दे, क्योंकि आपको आने वाली आगे की जो वीडियो होंगी हिंदी में वो मिलते रहे। हिंदी में होती है, मराठी में होती है, मगर इतना है
कि पुणे की आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलते रहती है और आपका अधिकार है कि आपको जानकारी मिलना चाहिए कि कुछ और बातें लोग करते रहते हैं घर के बारे में, या कोई को कहते रहता है कि 5 लाख में दे रहा है, कोई आपको 20 लाख में, कोई 15 लाख में। देखिए वो लोग आपको मुद्दे से भटका रहे हैं। अब वो यू क्यों करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, देखिए यूट्यूब से उनका पेट चलता है, पेट भरता है यूट्यूब के वीडियो से। अगर वो ऐसा नहीं दिखाएंगे तो फिर मिलियन व्यूज क्यों जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को देखिए, हमारे वीडियो देखिए, वहां पे व्यूज जो होते 500 होते, किधर 200 जा रहे, किधर 300 जा रहे, किधर 1000 जा रहे, क्योंकि हम सच कहते हैं। इसलिए सच्चाई हमेशा दूर होती है, कोसों दूर, बिल्कुल बहुत दूर होती है। इसलिए हमें YouTube के पैसे का कोई भी लालच नहीं है, हम ये चाहते हैं और हम इतना ही चाहते हैं कि आपका भला हो। आज जो है शिकरापुर, चलिए मैं आपको एकदम आराम से बताता हूं, शिकरापुर का तो नाम ले लिया मैंने, आप छोड़ के ना जाइए, मैं पूरा समझाऊंगा आपको 15 लाख में, 20 लाख में, 30 लाख में। अरे अरे भाई, हम है ना आपके लिए, आपको बना के देंगे ना 15 लाख में, 20 लाख में और 30 लाख में, सब कुछ करवा के देंगे, भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए छोटे भाई के ऊपर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो को नहीं देखते हैं, मेरे जो वीडियो आते हैं बैठ के उसको इत्मीनान से नहीं देखते, गलती उनकी है, क्योंकि मैं हर बातें बताता हूं इस वीडियो में। देखिए आज यहाँ पे जो है, आज यहाँ पे जो है पुणे में जो कंडीशन है, बस्ती में जाइए, अगर आप झोपड़पट्टी में जा रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं कि मकान किसी का बेचना है क्या, एजेंट को पूछ लीजिए, वो आपको कहेगा कि सर हाँ बेचना है, मगर वो 30 लाख में देना चाहते हैं। अब वो मकान देखने के लिए आप जाते हैं, पहली फुर्सत में आप बोलते हैं कहाँ पे है, चलिए दिखाइए, फिर वो बंदा आपको गली से, एक पतली सी गली होती है उसमें से लेके जाता है, दिखाता है, घर तो बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, मगर बाहर का क्या। आप फोटो निकालने के लिए आप मोबाइल को ऐसा ऊपर करते हैं, ऐसा 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 ऊपर, क्योंकि गली बहुत पतली है और वहां से फोटो भी नहीं आ रहा है। अब अगर आपने बड़ा बेड ले लिया या बड़ी जो होती है ना गद्दे वगैरह, अंदर घुसाने की कोशिश की तो फट जाता है, कोई सामान आप रेफ्रिजरेटर या आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बड़ा बड़ा भी आता है, वो कैसे क्या। अरे ये जो आप 30 लाख 40-50 लाख दे रहे, तो आप महंगे घर पे आप दाव लगा रहे, आपको संतुष्टि कुछ भी नहीं हुई, आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रस्ते के उस तरफ खड़ी है, मगर आपको तो भैया पुणे में घर लेना है, पुणे में सब कुछ सुख सुविधा चाहिए आपको। देखिए मेरे भाई और बहनों, आप जो जिद कर रहे हैं वो आपको छोड़नी होगी, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपका ऐसी ही झोपड़पट्टी में मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पर ले चलता हूं, आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है कि पुणे से थोड़ा सा यानी कि 40 या 38 किलोमीटर आप दूर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अगर आपको सच में खुला वातावरण, खुला एकदम क्लाइमेट, आपका एक इंडिपेंडेंट घर हो, आजू बाजू से वॉल कंपाउंड हो, आपकी जो कार है, आपकी प्यारी 2 व्हीलर आपके दरवाजे के सामने, या एक छोटा सा गार्डन हो, तो आपको थोड़ी अपना जो एरिया है उसकी कुर्बानी देनी होगी, आपको कुर्बानी यानी कि छोड़ना होगा और आपको नए जगह पे आपको आना होगा। अगर आप आ सके तो बिल्कुल आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। देखिए हमारे पास जो जगह है वो 4 लाख वाली भी है और 6 लाख वाली भी जगह है। देखिए फर्क इतना है कि 38 और 40 किलोमीटर का थोड़ा डिफरेंट है, मगर ये जो जगह है, ये जो 6 लाख 30 हजार वाली है ये कैश में है, जो 4 लाख 30 हजार वाली भी है वो भी कैश में है। देखिए टोटल दोनों का पेमेंट कैश में करना पड़ेगा,
बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको ईएमआई के ऊपर देंगे, उधर देंगे, इधर देंगे, मगर मेरे भाइयों और बहनों, जो ईएमआई पे देता है तो कुछ ना कुछ उधर कमी होती है, उसका माल नहीं बिक रहा है, इसलिए वो आपको ईएमआई पे दे रहा है। सही कहा ना? अभी हम ईएमआई पे दे रहे थे, मगर फिलहाल में वो ईएमआई का सिस्टम जो है बंद हो चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे ईएमआई की जरूरत नहीं, जिसको पेमेंट करना है उनको फौरन पेमेंट करना है। यहाँ पे हमने किसे से ही लगाया है, हम डेवलपर है, हम कोई एजेंट दलाल नहीं है कि आपको कुछ भी बताए और कुछ भी दिखाए और कुछ भी भेज दे। यहाँ पे 7-12 आपको मिल रहा है, जो 6 लाख वाली या 4 लाख वाली, 11 लोगों में 7-12 हो रहा है, बरोबर ना, 7-12। और खरीदी खत जो है और बाकायदा आपको परमिशन मिल रही है 2-3 फ्लोर चढ़ाने की। यहाँ पे आप जो है मन मुताबिक आपका घर का प्लान बना सकते हैं, 800 स्क्वायर फीट का बनाइए या 500 का बनाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी पार्किंग बाहर रखिए या अंदर रखिए, आपको कोई भी नहीं। यहाँ पे देखिए, हम आपको सिर्फ जगह नहीं बेच रहे, आपके साथ में खड़े हैं, आपको लाइट की जो लाइट चाहिए उसके लिए, अगर आपको बोरवेल करना है उसके लिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर्स है, बेहतरीन इंजीनियर है, आपको पूरा पेपर में लिख के देंगे। आप बोले कि हमारे पास जगह है और साहब हमें 15 लाख में कंस्ट्रक्शन करके दीजिए, तो वो करके देंगे, आपको पूरा पूरा नक्शा देंगे घर का, आपको वास्तुतिथि कहाँ पे चाहिए, किचन कहाँ पे चाहिए, बेडरूम कहाँ पे चाहिए, हॉल कहाँ पे चाहिए, आपको गैलरी चाहिए, पार्किंग चाहिए, पूरा डिजाइन आपको बना के देंगे। अगर आप बोलते कि भाई साहब हमें 30 लाख वाले घर का प्लान दीजिए, 50 वाले का प्लान दीजिए, तो आपको वैसा मिलेगा। आपकी 1000 स्क्वायर फीट की जगह जो है कमाल कर सकती है। आप जो 15 लाख का यहाँ पे बना रहे, देखिए झोपड़पट्टी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो झोपड़पट्टी में कभी आपको इस तरह का मकान नहीं मिलेगा। झोपड़पट्टी में आप 15 लाख दे रहे हैं, मुझे तो लगता कि मिलता नहीं 15 लाख में, फिर भी आपको हॉल और किचन छोटा सा 150-200 स्क्वायर फीट का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 15 लाख में आपको 800 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट बेहतरीन से बेहतरीन आपको डिजाइन मिल रहा है, पूरा घर बना के मिल रहा है। 30-40 लाख में तो आपको महल जैसा एक इंडिविजुअल रो हाउस बंगलो टाइप आपको 40 लाख में मिल रहा है, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। चलिए देर ना कीजिए, नीचे शाहिद भाई का नंबर है, ऑफिस के 2-2 नंबर दिए हैं, आप सीधा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 4 लाख वाली जगह के और 6 लाख वाली जगह के। देखिए इनामी जगह नहीं है, ना ही महार वतन जगह है, ना ही कोई टाइम पास वाली जगह है कि जिससे आपका टाइम खराब हो। डायरेक्टली 7-12 मिल रहा है, खरीदी खत हो रहा है, आपके नाम ये जगह हो रही है, इससे बेहतरीन क्या चाहिए मेरे भाई और बहनों। अगर आपको विजिट करना है तो एक दिन पहला आप बुकिंग कीजिए, एक दिन पहला आप टाइम बुक कीजिए, टाइम यानी के अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कॉल कीजिए उनको, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सनसवाड़ी के आगे शिकरापुर और रांजनगांव ने शिकरापुर में ये जगह है, ओके, उनको कहिए कि हमें 6 लाख वाली शिकरापुर की जगह देखनी है और 4 लाख वाली शिकरापुर की जगह देखनी है, तो आप उनको आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों देर मत कीजिए, उनका नंबर दिया है। अगर आपको गाड़ी घर तक चाहिए तो आपको 1000 रुपए देके गाड़ी बुक करनी है, आपके दरवाजे पे गाड़ी आ रही है, फैमिली के साथ में जाइए और ये जगह का दीदार यानी कि विजिट कीजिए। चांस है, अब चांस है यहाँ पे। अगर आप सोचेंगे कि बहुत दूर है तो फिर वक्त अपने हाथों से निकलता जा रहा है, याद रखिए बहुत कम वक्त बचा है। ये जगह जो है बहुत ही खास है, खास इसलिए है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जगह का वीडियो का यूआरएल भी दिया है, काफी सारी जानकारी मगर थोड़ा मराठी में है, और अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी 1-2 वीडियो है, वो आप जाके देख सकते। मेरे भाई और बहनों अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए शाहिद भाई का नंबर दिया है। अब ना कहना कि 15 लाख में हमें पुणे में चाहिए, ना कहना कि 20 लाख में, 30 लाख में, अरे हड़पसर हो या पुणे स्टेशन के पास या कल्याण नगर या विमान नगर हो, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक बेहतरीन एरिया आपका इंतजार कर रहा है। तो देर ना कीजिए, जल्दी आइए, बुकिंग कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ओके, मिलता हूं फिर से आपको पुणे प्रॉपर्टी की वीडियो में। ओके,
यूट्यूब चैनल, याद रखिए कासिम शेख नाम है। और जय महाराष्ट्र और जय जय पुणे, धन्यवाद वीडियो देखने का, थैंक यू।